हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे, ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर किसी प्रकार से आपको कोई भी समस्या है जो कि नहीं आए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, 8:05 जो कि हो चुके हैं और आज है दोस्तों 21st ऑफ अक्टूबर। तो देख लेते हैं आज के अपने सेशन के अंदर क्या क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है, सारे के सारे न्यूज़पेपर है जो कि 21st ऑफ अक्टूबर के हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रेगुलर जो है ये सेशन देखना चाहिए। आपको काफी क्वेश्चन जो है वो एज इट इज देखने को मिलेंगे। और अगली बार से हम लोग ये भी करेंगे कि अगर कोई भी एग्जाम अगर आपका होगा ना, तो उसके अंदर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं उनको एनालिसिस भी करेंगे, है ना, सो दैट अपन देख सकें कि भाई कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो ये सब चीजें भी मैं आपको आने वाले दिनों के अंदर करवाऊंगा। जैसे कि अभी जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है मैं तीन चार क्वेश्चन करके हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इससे आपको भी काफी बेनिफिट मिल जाएगा इससे, है ना, आपको भी समझने में हेल्प मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन का पैटर्न है, किस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन है जो कि आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यूपीएससी से स्टार्ट करते हैं ना। अभी यूपीएससी कुछ टाइम पहले हुआ है, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर आपका कोई अगर पीसीएस का पेपर होता है, कोई और एसएससी का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, वो सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सारे के सारे न्यूज़पेपर आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ, फन फैक्ट और कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आज क्वेश्चन कम है यार, क्वेश्चन बनाना भूल गया आज मैं, ऑनेस्टली बताऊं तो। चलिए, कुछ लग भी रहा था कि कुछ मिस हो रहा है लेकिन स्टक ही नहीं रहा। तो अगर आपको अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको BHU 10 या BUNESH 10, ये रेफरल कोड आप काम में ले सकते हैं। यूपीएससी, पीसीएस, डिफेंस, बैंकिंग, एसएससी, किसी भी एग्जाम के लिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। और उसके बाद इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर दोस्तों आपको यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप 170 प्लस लर्नर ने इस बार यूपीएससी एग्जाम है जो कि क्रैक किया अनअकैडमी से। आपको लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, टेस्ट एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, सब कुछ आपको अवेलेबल है। आप 12, 24 या 36 महीनों में से सेलेक्ट करके आप नीचे की तरह रेफरल कोड है BHU 10 जो कि आप लगा सकते हैं और अपना जो है अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए भी दोस्तों आप सभी के पास में सारे के सारे ऑप्शन है कि आप कौन से एग्जाम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहें कर सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालना है, गोल अपना सेलेक्ट करिए, जो भी आपका गोल है यूपीएससी, एसएससी, आईआईटी, 40 प्लस एग्जाम में से प्लस में जाइए गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने पे, और नीचे की तरफ BHU 10 या BUNESH 10 आप लिख सकते हैं। ओके, इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ प्लस के अंदर, एसएससी के अंदर। और आज की जो स्पेशल क्लास है वो दिन में 3 बजे स्पेशल क्लास है, तो आप स्पेशल क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक बच्चे की एजुकेशन आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से कर सकते हैं smileforsociety.org की वेबसाइट पर जाके। आज के कोट ऑफ द डे है जो कि दोस्तों यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बात है जो कि लियोनार्डो डिकैप्रियो के द्वारा बोली गई है, इफ यू कैन डू व्हाट यू बी द बेस्ट बी हैप्पी यू विल फर्दर अलॉन्ग इन लाइफ देन मोस्ट ऑफ द पीपल। बिल्कुल सही बात बोली गई है। देखिए, हर किसी की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। कई बार लोग मेरे को सवाल करते हैं क्वेश्चन फोन करके या मैसेज में पूछते हैं कि सर मेरा GS बहुत अच्छा है ना, मुझे IAS की तैयारी करनी चाहिए या IES की करनी चाहिए। अब कितनी कॉमन सी बात है कि आपके पास खुद का सवाल का ही जवाब है, है ना। आप खुद बोल रहे हो कि आपकी GK अच्छी है, आपकी टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप IES की तरफ क्यों जा रहे हो, आप IAS की तरफ क्यों नहीं जा रहे हो। तो कई बार आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना होता है ना लाइफ में। देखो, सिंपल सी कहावत है कि सिंपल सी बात है, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। अगर आपकी मैथ स्ट्रेंथ है तो जिस एग्जाम में मैथमेटिक्स ज़्यादा आती है, ज़्यादा अच्छा स्कोर होते हैं, वो एग्जाम आपको क्रैक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आप जल्दी एग्जाम क्रैक कर लोगे। अगर आपकी GK अच्छी है तो GK वाले एग्जाम पकड़ो, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग वाले पकड़ो, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश वाला कहाँ पे ज़्यादा वेटेज है वो देखो। तो सिंपल सी कहानी, आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना पड़ता है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हो तो ज़्यादा खुश भी रहते हो और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी रहती है, और ऑल ऑफ ए सडन दोस्तों आप देखोगे कि बहुत लोगों के जो है वो आप आगे निकल जाओगे आसानी से। ठीक है गाइस, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, और अब यहाँ पे देखो, एक बच्चे ने बोला है कि सर इंग्लिश वीक है। अब आपको मालूम है आपकी इंग्लिश वीक है, तो आप अगर SSC CGL एग्जाम देने की कोशिश करोगे और ट्राई करोगे मैं क्रैक कर दूँ, तो कैसे कर पाओगे बताओ, है ना। या तो आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के ऊपर काम करो, या तो आप ये सोचो कि मुझे तो 6 महीने के अंदर इंग्लिश का प्रो बनना है, सारे अच्छे अच्छे बुक्स और दिन का डेली का 4 घंटे इंग्लिश को देख के मुझे इंप्रूव करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी इंप्रूव करने की कोशिश कर ली फिर भी नहीं हो पा रही है, तो फिर छोड़ो ना, कोई दूसरा एग्जाम देखो जहाँ पे इंग्लिश नहीं आती हो। सिंपल सी कहानी है, क्यों एक आप अपने ही जाल में जो है वो फंसते जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे दैनिक के फ्रंट पेज की। यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर केस के अंदर, यहाँ पे 3 जज की बेंच है जो कि बैठी थी, जिसको CGI ने लीड किया,
और यहाँ पे बोला है कि जो भाई सरकार है, जो पुलिस है, मतलब उसने बिल्कुल भी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी. ओके, चार 44 विटनेस में से चार ही लोग हैं मतलब, ओके, जिनके स्टेटमेंट जो है वो दर्ज हो पाए. तो बहुत ही स्लो है जो कि ये केस पुलिस ने अभी तक देखा है. तो यही यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है कि इतना स्लो नहीं लेना चाहिए आपको, इसको तेज करिए. यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों यहाँ पे सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे साहब है जो कि क्या कर रहे थे, यहाँ पे एडवोकेसी है जो कि कर रहे थे. हरीश सालवे साहब यूपी गवर्नमेंट की तरफ से है. तो उन्होंने भी दोस्तों यहाँ पे बोला कि भैया दिवाली हॉलीडे थी, फलाना ढिमकाना. तो यहाँ पे सीजीआई ने बोला अरे भाई क्रिमिनल कोर्ट और दशहरा वेकेशन में क्या लेना देना है आपस के अंदर, मतलब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो. तो यहाँ पे दोस्तों प्रोसीडिंग तेज करने के लिए बोला है. देखो नॉर्मली यही होता है, अगर किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी क्रिमिनल को बचाना होता है ना, देखो पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम होता है एविडेंस कलेक्ट करना और लॉयर को देना. लॉयर क्या करेगा, एविडेंस को पेश करेगा. अगर पुलिस ही दोस्तों अपनी जांच पड़ताल या जो अपने एविडेंसेस को मजबूत नहीं करेगी तो लॉयर बेचारा लड़ेगा कैसे, समझ रहे हो. जो उनका कोई भी सपोर्टिंग है या फिर अपोज के अंदर कोई, तो वो कैसे कर पाएगा. तो कई बार होता है ना कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से कई लोग छूट जाते हैं. तो उसका कारण यही होता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी ज़्यादा बकवास होती है कि अगले आदमी के पास में कुछ होता ही नहीं है, मतलब मतलब प्रूव करने को लेकर, वो वाली बात है. चलिए यहाँ पे दोस्तों टीम जो है, इंडियन टीम जो है वो तालिबान के डिप्टी पीएम से मुलाकात करी, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे क्या मुद्दा है. महाराष्ट्र की एक फर्म ने दोस्तों जीएम कंटेमिनेटेड राइस है जो कि बेची थी. कल हमने देखा था ना कि यूरोपियन यूनियन के कई सारे कंट्रीज ने दोस्तों ये मना कर दिया कि भैया राइस मत, इंडिया से राइस लेने को लेकर. क्यों? क्योंकि यहाँ से जीएम कंटेमिनेटेड राइस है जो कि वहां पे मिल गया था. तो मैंने कल आपको डिटेल में समझाया भी था कि जीएम क्रॉप क्या होते हैं, काम इंडिया में लीगल क्या है इसका लेकर, और कौन कौन सा हम उगाते हैं. बीटी है ना, बीटी कॉटन के अलावा कुछ भी हमारे यहाँ पे जीएम क्रॉप नहीं है. तो और हम लोग 65,000 करोड़ का बिजनेस भी करते हैं, बासमती राइस हमारे बहुत फेमस है. तो अगर इस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं तो इससे हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है. तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, बात करेंगे. वापस बेल डिनाई कर दी गई, बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए आर्यन. इसके अलावा खुशीनगर के बारे में बात करेंगे, कल भी हमने डिटेल में बात करी थी. खुशीनगर एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ है बुद्धिस्ट सर्किट के तौर पर, थोड़ा सा और देख लेंगे, बाकी डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, तो ये आपका फ्रंट पेज है. और हमारे लिए जो है तो ये तालिबान और एक अपना बुद्धिस्ट सर्किट और एक कंटामिनेटेड राइस, तीनों दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज है, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इंडिया ने दोस्तों फाइनली 10 नेशन के स्टेटमेंट को ज्वाइन किया जिसमें रिकॉग्नाइज किया न्यू रियलिटी ऑफ द अफगानिस्तान. तो मॉस्को के अंदर दोस्तों ये मीटिंग हुई है जहां पे इंडियन ऑफिशियल ने रिपोर्टली मीट किया तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलाम हनाफी को. ओके, ये जो सलाम हनाफी है ना, अभी यहाँ पे डिप्टी पीएम है, यहाँ पे एजुकेशन का भी डिपार्टमेंट पहले देखा करते थे, और यहाँ पे काबुल यूनिवर्सिटी में टीचर भी थे. मतलब सोचो बंदूकधारी आदमी जो है वो किसी टाइम पे काबुल यूनिवर्सिटी में टीचर भी था. ओके, तो हनाफी जो है यहाँ पे उनके साथ में मुलाकात है जो कि करी गई, और हमने ऑफर किया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किसके अंदर, काबुल के अंदर. ठीक है गाइस, ठीक है. तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया को जो चिंता है वो ये है कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं ना उनको मदद मिले, उनकी जान जो है वो भुखमरी से बाकी चीजों से नहीं जाए. तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए दोस्तों बोला है, हमने भी यहाँ पे बोल दिया है मतलब. और हमारे जो डेलीगेशन था वो जेपी सिंह है, ओके, ज्वाइंट सेक्रेटरी है फॉर पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनके द्वारा दोस्तों ट्वीट करके बोला गया है. और हम लोग यहाँ पे इनको जो है डोनेशन देंगे, किसका, वीट का और बाकी कुछ और चीजों का डोनेशन है जो कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है गाइस, और ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग चाहते नहीं, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं. हालांकि क्या तालिबान के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग टेररिस्ट भी मानते हैं, टेररिस्ट डेजिग्नेटेड है. ओके, लेकिन पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि हमारे पास में कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, एंड ऑफ द डे. क्योंकि अगर इनसे नहीं करो तो भी नुकसान और करो तो भी नुकसान, दोनों चीजें. तो फाइनली जो है इंडिया ने दोस्तों रिलेशनशिप को मजबूत करने को लेकर ही जो है वो रास्ता अपनाया है. ठीक है, और हमने यहाँ पे 15 अगस्त को उन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया था. और जो हमारे एससीओ कंट्रीज है ना वो मेजरली सारे फेवर में ही है, इसलिए हमने भी इनके स्टेटमेंट को ज्वाइन किया. चाइना, ईरान, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान. ओके, तो इन सब ने जो है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, सिग्नेटरी किया, इंडिया भी उसके अंदर पार्ट बन गया है. और हमने यहाँ पे बोला है कि भाई आप एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चलाओगे और अपनी टेरिटरी को टेरर ग्रुप को यूज करने को लेकर अलाउ नहीं करोगे, ताकि सिक्योरिटी बाकी कंट्री की जो है उसको नुकसान ना हो. हालांकि हालात ऐसे हैं कि तालिबान खुद के कंट्री को भी अगर टेररिज्म से बचा लेना तो भी बहुत बड़ी बात है. बंदूक की नोक पे एक बार आप सरकार बना सकते हो, लेकिन ऐसे बंदूक वाले और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि तैयार हो जाते हैं. ये एक गलत प्रैक्टिस है किसी भी कंट्री को टेक ओवर करने की. और जब ऐसी कोई कंट्री टेक ओवर करता है ना तो उसके नीचे और भी कई सारी फैक्शन, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जम लेती है, क्योंकि उनको भी लगता है कि बच्चा बंदूक की नोक पे जब इन्होंने सत्ता हासिल कर ली है तो हम भी कर सकते हैं.
तो और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन जाती है। तो इनकी खुद की सिक्योरिटी बहुत चिंताजनक है, बाकी देशों की तो खैर सेकेंडरी बात है। ठीक है, तो ये वाले बात हो चुकी है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे खास कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम हमने ऑफिशियली जो है वो स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग बाकी कंट्री के जॉइंट स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम है। इससे पहले दोहा के अंदर भी दोस्तों मीटिंग हुई थी तालिबान रिप्रेजेंटेटिव और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, ओके, जिसमें एमईए के जॉइंट सेक्रेटरी थे आदर्श साविका करके थे, उन्होंने तालिबान के ऑफिशियल से मुलाकात भी करी थी, लेकिन उसको कई देशों ने अनरिकग्नाइज किया था। तो इस बार जो है ये मीटिंग जो है ये फाइनली रिकग्नाइज है, मॉस्को के अंदर ये हुई है। ठीक है, यूएस ने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं भेजा है। ओके, ये वीडियो आप देख सकते हो अगर आप हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ अफगानिस्तान तालिबान, है ना, 10 मिनट के अंदर मैंने पूरा इतिहास बताया आपको तालिबान अफगानिस्तान का, तो आप हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान भूनेश देखोगे तो वीडियो मिल जाएगा, ये देख लेना, यहाँ पे आपको वैसे काफी डिटेल में समझ में आ जाएगा मात्र 10 मिनट के अंदर। इसके अलावा सेकंड जो न्यूज थी वो थी सेंटर ने आइडेंटिफाई कर लिया है एक महाराष्ट्र बेस्ड एक्सपोर्टर था, ओके, जिसने ब्रोकन राइस जो है यूरोप के अंदर भेजी थी। एक्चुअली के अंदर देखिए इसके अंदर एक लॉन्ग चेन है, जैसे कि महाराष्ट्र की फर्म ने राइस भेजी है, अब राइस से वहां पे क्या होता है जो फ्लोर बनता है ना वो यूरोप के अंदर बनता है और उसके बाद इसको मार्केट किया जाता है, तो ये एक चेन है। मतलब अब ये जो फ्लोर बनाए ये लोग बोल रहे हैं कि भैया जिसने भेजा ना उसने हमें कंटेमिनेटेड भेजा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पता किया गया किसने भेजा है, तो सोर्स जो बताया जा रहा है यूरोप के कंटेमिनेटेड विद जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, ओके, वो यहाँ पे एक महाराष्ट्र की फर्म है, 500 टन कंसाइनमेंट है, मतलब जो कि एक नॉन जीएमओ सर्टिफिकेशन के माध्यम से इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा दिया गया था। ठीक है गाइस, और इंडिया के अंदर जीएम राइस हम लोग कमर्शियली ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी अगर ये ऐसा हुआ है तो अपने सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके ऊपर जांच पड़ताल कर रही है कैसा। ओहो, ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा तो खैर देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही लार्ज बिजनेस करते हैं, 65,000 करोड़ रुपए इसका मतलब हम लोग बिजनेस है जो कि करते हैं, एनुअल राइस का एक्सपोर्ट है जो कि हम लोग करते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा और ज्यादा मुद्दा बना, हमने इसको रिजॉल्व नहीं किया, तो हमारे एक बासमती राइस के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और हमारे बिजनेस के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बात करें कुशीनगर को लेकर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दोस्तों वेनेसडे को फाइनली इनॉग्रेट कर दिया, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, ओके, वाराणसी लखनऊ के बाद में तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि यूपी के अंदर है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल वो आपके किसके अंदर है, केरला के अंदर है, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे 3 हो चुके हैं, और ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट दोस्तों बनाने को लेकर, कनेक्ट करने को लेकर बोला गया। अभी देखो क्या होता है कि अगर आपको मान लो बोधगया जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो वहां पे लखनऊ या वाराणसी उतरोगे, उसके बाद बस लोगे, ट्रेन लोगे, उसके बाद धक्के खाते खाते आप पहुंचोगे। अभी क्या कर दिया गया कि अक्रॉस द ग्लोब जो भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, कल्चर डिप्लोमेसी कहते हैं इसको, रिलीजन कल्चर डिप्लोमेसी कहते हैं, तो वो क्या करेंगे डायरेक्टली फ्लाइट करवाएंगे कुशीनगर और आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो उससे क्या होगा, और आसपास के सारे 200-250 किलोमीटर के रेंज के अंदर ये सारे के सारे साइट जो कि क्या है बहुत गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन मानी जाती है, फाइनल रेस्टिंग प्लेस है दोस्तों, है ना, हमारे गौतम बुद्ध की, जहां पे उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है जो कि मानी जाती है। श्रीलंकन एयरलाइन जो है वो भी दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली फ्लाइट होगी, इनके बुद्धिस्ट मॉन्क है, श्रीलंका के मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ओके, गॉटबाया के जो भतीजे हैं, सन जो प्रधानमंत्री के जो बेटे हैं, वो सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे आए थे। ठीक है गाइस, महापरिनिर्वाण टेम्पल है जो कि यहाँ पे बना हुआ है, 12 कंट्रीज जो है के जो डिप्लोमेट्स है वो भी यहाँ पे आए हुए थे। देखो नियर बाय 12 कंट्रीज है दुनिया में ऐसी जहां पे बुद्धिज्म प्रैक्टिस मेजरली किया जाता है। ठीक है, आप देखोगे अगर ये देखिए 97% कंबोडिया के अंदर जो है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो खैर बढ़ गई होगी क्योंकि ये डेटा 2010 का है, लेकिन रेशियो में कोई ज्यादा फर्क आता नहीं है नॉर्मली, है ना, थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज में होता है। कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, लायोस, मंगोलिया, जापान, सिंगापुर, ताइवान, चाइना, चाइना में आप देखिए 18% पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिस्ट है, हमारे यहाँ पे 0.8% है, ताइवान नियर बाय 35%, सिंगापुर में 33, जापान में 36 और 67 कुछ भी हो सकती है, मंगोलिया 55 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारे कंट्रीज में मेजरली आपको बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। अक्रॉस द ग्लोब अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ये सारे कंट्रीज हैं, मेजरली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अशोका ने काफी पॉपुलर किया था, जब अच्छी अच्छी बातें जब उनको सीखने को मिली तो उन्होंने जितने भी जगह पे क्या बनवाए अपने पिलर्स है, ओके, वो सब बनवाए, रॉक एडिक्ट्स है जो कि बनवाया, तो उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। अगर आपने रॉक एडिक्ट्स के बारे में पढ़ा है तो देखिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो कि उन्होंने लिखी है, एल्डर को सम्मान करना, एनिमल किलिंग को रोकना, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन उनको कोई वही वाली बात है, आज की दुनिया में अच्छी बातें कम चलती है ना, और मिर्ची मसाला थोड़ा ज्यादा प्रोपोगेट होता है। तो ये सारे कंट्रीज है। ठीक है गाइस, अशोका ने अपने जो बेटे हैं संगमित्रा और महिंद्रा उनको भी जो है भेजा था श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर।
ठीक है, तो इन कंट्रीज से हम लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट लोग जो है वो हमारी कंट्री के अंदर आए और हमारे भी बिजनेस के अंदर क्या हो, बढ़ावा मिले। ठीक है, तो स्पेशल फोकस जो है इन्हीं प्लेसेस को किया जा रहा है, कनेक्टिविटी को लेकर। लुम्बिनी बर्थ प्लेस बोध गया, ओके, वो भी ज्यादा दूर नहीं है। सारनाथ जो है जहां पे पहला सरमन दिया, अपना लेक्चर दिया था, सरमन दिया, वो भी 200-250 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर ही है, ओके। और जहां पे एनलाइटमेंट हुआ, ये सब जगह जो है वो आसपास ही बताई गई है। ठीक है गाइस, इसके अलावा इसके अंदर कुछ खास और इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कुशीनगर एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन पे नमल राजपक्षा जी ने मोदी जी को दोस्तों एक सिंगल तमिल इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है भगवत गीता का, वो भी यहाँ पे दिया था। वैसे तो क्या नॉर्मली भगवत गीता मोदी जी देते हैं दूसरों को, इस बार उन्होंने हमको चिपका दी, ओके। लेकिन और ये कौन सी, ये ट्रांसलेशन जो है इसमें श्रीलंकन लैंग्वेज जो है तमिल और इंग्लिश उसके अंदर ट्रांसलेशन है जो कि गीता का किया हुआ है। अच्छी बात यार, मतलब बहुत ही अच्छी बुक है, आपको भी पढ़नी चाहिए। हाँ, कई लोग बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कौन से भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो आप गीता प्रेस की है किताब है वो वाली किताब लीजिएगा, है ना। उनके जो राइटर हैं, नाम भूल गया मैं, रखी हुई भी होगी, ठीक है, गुरु रामसुखदास जी है, हाँ रामसुखदास जी है, उनके द्वारा लिखी गई गोरखपुर प्रेस की किताब है, वो सर्च करना गूगल पे, भगवत गीता बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में है, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है। एक्चुअली में क्या है कि देखो, इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट होता है। जो ओरिजिनल किताब थी वो तो संस्कृत में थी, अब उसको जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो, इंग्लिश में करते हो, तो कैसे इंटरप्रेट करते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, समझ गए। तो उसी के हिसाब से सब लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, और उसमें से सबसे बेस्ट इंटरप्रिटेशन किसका है जो कि आपको इजी लैंग्वेज में समझा दे क्या बात बोली गई है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये किताब जो है ज्यादा अच्छी आप पढ़ सकते हैं ना कल करके एक कर। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी दोस्तों एक अच्छा आर्टिकल आया, इसमें और भी कई सारी बातें जो है वो बताई गई है, जैसे कि श्रीलंकन एयरलाइंस है जो कि यहाँ पे अपने स्टार्ट हो गई। इसके अलावा 483 BC के अंदर महापरिनिर्वाणा जो है, अल्टीमेट सेल्वेशन जो है, गौतम बुद्ध को कुशीनगर के अंदर मिला था, है ना। और एशियंट जो मल रिपब्लिक था ना, उसकी कैपिटल है दोस्तों जो कि ये हुआ करती थी। 16 महाजनपद जो थे ना, ओके, उनमें से एक था, उसी की कैपिटल है जो कि कुशीनगर हुआ करती थी। मौर्य, शुंग, कुशान, गुप्त, साथ में आपके ये हर्षवर्धन, पाल, ये सारे के सारे दोस्तों राजा हैं जो कि कुशीनगर वाले एरिया के अंदर रहे हैं। 12वीं सेंचुरी के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरेस्ट लोगों का इस एरिया में थोड़ा सा कम हो गया और प्रॉपर पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे रहने लग गई। फर्स्ट एक्सकवेशन जो कुशीनगर के अंदर हुआ था वो अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा ही किया गया था, ओके, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड हुआ करते थे। उन्होंने एक 6 मीटर लॉन्ग स्टैचू जो है बुद्धा का 1876 में पता किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक्सकवेशन इनके द्वारा ही किया गया था, ओके। इसके अलावा एक स्तूपा भी जो है उन्होंने वहां पे देखा था। तो 2016 के अंदर मिनिस्टर टूरिज्म के द्वारा अनाउंस किया गया था बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक है गाइस, जिसके अंदर हम लोग टूरिस्ट जो है नेपाल, श्रीलंका और अक्रॉस द ग्लोब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से बढ़ावा देने, उसको कल्चर डिप्लोमेसी है जो कि कहा जाता है, ठीक है गाइस। हम चाहते हैं कि बुद्धिस्ट सर्किट में बौद्ध गया, वैशाली, राजगीर, कुशीनगर, सारनाथ, चारावस्ती, लुम्बिनी, इन सभी भी जगह पे लोग घूमने आए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC के अंदर लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। 29 साल में उन्होंने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया था, शंख्या कैपिटल थी कपिलवास्तु, वहां से वो बिलोंग किया करते थे, ठीक है। चलिए, तो ये बुद्ध सर्किट जो है एक ट्रेन भी चलाई जा रही है जो कि 14 दिन के अंदर सारे एरिया को कवर करेगी। यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी चलाया जाएगा, एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे, ओके। तो ये सब बोला गया है, टोटल 343 करोड़ रुपए का बजट है जो कि 2016 में अनाउंस किया गया था, ठीक है गाइस। लुम्बिनी में जन्म हुआ, कपिल वास्तु के अंदर दोस्तों कैपिटल थी उनकी, और शरावस्ती जो थी यहाँ पे उन्होंने अपने 4 महीने गुजारे थे। सारनाथ के अंदर पहला उन्होंने लेक्चर दिया, कुशीनगर के अंदर उनकी डेथ हुई। राजगीर जो है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, ओके, कई 12 साल जो है वो राजगीर में रहे थे गौतम बुद्ध। वैशाली की बात करें तो लास्ट सरमोन जो है उन्होंने इधर ही दिया था उनकी, है ना, डेथ से पहले। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी यही हुई और बौद्ध गया के अंदर उनका एनलाइटमेंट हुआ था। तो ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, आज फिर से कवर कर दी, कल भी मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, आज वापस पढ़ा दिया है, समझ गया। अब अगली बार जब डिस्कशन होगा तब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है गाइस। ऑलराइट, एक बार वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। चलिए पेज नंबर 3 के बारे में बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में नहीं, ये आगे बात करेंगे, आगे और भी अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों रेड फोर्ट जो है अपना लाल किला, वहां पे 225 फुट का लॉन्ग नेशनल फ्लैग है दोस्तों जो कि डिस्प्ले किया जाएगा 100 करोड़ की वैक्सीनेशन के टारगेट को लेकर, ठीक है गाइस। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है इन्हीं के द्वारा दोस्तों ऑफिशियली हमारे फ्लैग है जो कि बनाए जाते हैं,
तो 225 फुट का लॉन्ग मॉन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग है जो कि अभी कुछ टाइम पहले लेह के अंदर फहराया गया था, अभी उसको रेड फोर्ट के ऊपर भी दोस्तों डिस्प्ले है जो कि किया जाएगा। इसका वेट पता है कितना है इसका, 1400 kg का ये फ्लैग है, ठीक है 1400 kg का। लेह के अंदर दोस्तों 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे पे यहाँ पे किया गया था, 180 जवान थे उन्होंने, है ना, उन्होंने इसको हिलटॉप के ऊपर टक किया था, 13,000 feet जो है अबाउट द सी लेवल, कहाँ पे लेह के अंदर, ठीक है गाइस। चलिए और ये बात ध्यान रखनी है, अब अगर मैं नेशनल फ्लैग के बारे में बात करें गाइस, तो ये जो डिजाइन है ना जो अपना करंट वाला, वो पिंगाली वेंकैया के द्वारा जो अपने इंडियन फ्रीडम फाइटर थे उनके द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था 2 red और 1 green band, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम 2 red और 1 green band जो है नेशनल फ्लैग में बनाएंगे और सिंबलाइज करेंगे 2 major communities इंडिया में, उनके किसको, उनकी यूनिटी को लेकर, हिंदू और मुस्लिम। फिर गांधी जी ने बोला कि भैया हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, 2 community के ऊपर नहीं करना चाहिए, हमारे देश में बहुत सारी कम्युनिटीज रहती है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक वाइट बैंड रखना चाहिए जो कि पीस को रिप्रेजेंट करेगा और बाकी जो सारी कम्युनिटीज पीस में रहती है उसको रिप्रेजेंट करेगा। स्पिनिंग व्हील जो है वो हमारे प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री को मेंशन करेगा। ओके गाइस, उसके बाद में ये नया एक फ्लैग है जो कि बाद में बनाया गया और ये भी पिंगाली वेंकैया जी के द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। 1963 के अंदर उनकी जयत हो गई वेंकैया जी की और बाद में 2009 के अंदर उनको ऑनर भी किया गया था एक पोस्टेज स्टैम्प के माध्यम से, ठीक है गाइस। चलिए और भारत रत्न के लिए भी उनका नाम 2014 में प्रपोज किया गया था। 1906 के अंदर दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि पहली बार जो नेशनल फ्लैग है हमारा वो होस्ट किया गया था 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के अंदर, ठीक है गाइस, ग्रीन पार्क में, और जहां पे 3 horizontal strip थी रेड येलो और ग्रीन की, वंदे मातरम लिखा हुआ था मिडिल के अंदर, है ना। रेड जो था वो सन को, क्रिसेंट मून को, ग्रीन स्ट्रिप जो है वो हमारे, ठीक है, बाकी चीजों को रिप्रेजेंट करते थे, तो इस तरीके से सिंबॉलिक है जो कि बनाया गया था। उसी प्रकार से 1906 के बाद विदेश में जो पहली बार हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया है ना, वो 1907 के अंदर मैडम बिकाजी गामा के द्वारा किया गया था, ओके, जर्मनी के अंदर स्टटगार्ट के अंदर। तो विदेश में फॉरेन लैंड पे 1907 में और हमारे देश में 1906 के अंदर माना जाता है, दोनों बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस। 1917 के अंदर इनी बेसेंट लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने भी एक न्यू फ्लैग अडॉप्ट किया था होम रूल मूवमेंट के तौर पे, ओके, जिसके अंदर 4 green horizontal strip थी, 7 star है, सप्तऋषि जो है ना वो बना हुआ था उसके अंदर, व्हाइट कलर का क्रिसेंट था, ये सब चीजें थी। फिर उसके बाद में 1931 में क्या हुआ, कांग्रेस कमेटी बैठी कराची के अंदर और उन्होंने ट्राई कलर जो पिंगाली वेंकैया जी का है ना वो अडॉप्ट किया एज ए नेशनल फ्लैग और इसके अंदर कलर को रेड को चेंज करके सैफ्रॉन में किया, ओके, और फाइनली कोई रिलीजन इंटरप्रिटेशन उसके अंदर मना कर दिया था एड ऑन करने को लेकर, ठीक है गाइस। सैफ्रॉन जो है वो टॉप में होगा, स्ट्रेंथ और करेज दिखाएगा, व्हाइट मिडिल में होगा जो कि पीस दिखाएगा, और ग्रीन जो है दोस्तों वो हमारे फर्टिलिटी ग्रोथ और है ना हमारे लैंड की जो ऑस्पिशियस है उसके बारे में बताएगा। अशोक चक्र के अंदर 24 spokes होगी जो कि स्पिनिंग व्हील था ना उसको रिप्लेस किया गया, और मूवमेंट एंड डेथ एंड स्टैग्नेशन जो लाइफ चलती रहती है 24 घंटे में उसको दर्शाया जाता है, ठीक है गाइस। ट्रायंगुलर इन शेप होगा और लेंथ और विड्थ का कितना रेशियो होता है 3:2, ये बात भी ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछते हैं कई बार, डायरेक्टली सवाल आता है, ठीक है गाइस। चलिए लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो हमने 22 जुलाई 1947 को दोस्तों अडॉप्ट किया फाइनली, ठीक है, ये तो बात हो ही गई है। इसके अलावा और 3 colors होंगे, सैफ्रॉन होगा, व्हाइट होगा और अपने ग्रीन होगा, ओके, इसके अलावा नेवी ब्लू के अंदर अपना चक्रा होगा, ये सब तो बात कर ही चुके हैं हम लोग। सारनाथ जो लाइन कैपिटल है ना अशोका की, वहां से हमने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है, चक्र को अपने, चलिए ब्लू व्हील को। इसके अलावा हाँ, जो उस टाइम पे जो कमिटी बनाई गई थी ना, ये भी ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद उसके हेड थे, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी, तो एडॉक कमिटी जो फ्लैग की थी उसको राजेंद्र प्रसाद जी ने हेड किया था। हमारा जो पार्ट 4 का जो ए है, ओके, उसके अंदर भी दोस्तों हमने स्पेसिफाई किया हुआ है 11 fundamental duties, ठीक है, आर्टिकल 51A बोलते हैं इसको, ठीक है, आर्टिकल 51A के तहत ये कि हमारे हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे फ्लैग की, हमारे नेशनल एंथम की, हमारे सिंबल की जो नेशनल है उन सब की रेस्पेक्ट करें, ओके। अगर किसी ने भी दोस्तों इंसल्ट किया अकॉर्डिंग टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 तो वो 6 साल तक के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ओके। अगर किसी ने नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे नेशनल एंथम इन सब का डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो उसको 6 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। इसके अंदर फाइन का भी प्रावधान है और जेल का भी प्रावधान है, ओके। रूल्स जो गवर्न करते हैं वो है एम्ब्लम एंड द नेम एक्ट 1950, एक तो ये वाला है,
जिसके अंदर रिस्ट्रिक्ट किया गया है नेशनल फ्लैग, ओके, हमारे जो भी बाकी सिंबल हैं उन सबको जनरल नॉर्मल पर्पज से आप काम में ले सकते हैं, सिर्फ सरकार गवर्नमेंट ही जो है इनको यूज कर सकती है। आगे बात करें प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग एक्ट 1971 में पास हुआ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे नेशनल फ्लैग का चेंजेस है जो कि ओवर द टाइम आए हैं, है ना। ये 1906 का है, ये 7 का, ओके, उसके बाद में लोकमान्य तिलक और 1917 जिसमें सप्तऋषि दिखाए रखे हैं आपको, उसके बाद में पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया जिसमें एक चक्रा था, और फिर फाइनली दोस्तों वापस से उन्हीं के द्वारा चेंज किया गया, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करें पेज नंबर 7 पे दोस्तों, तो यहाँ पे केरला के बारे में बताया गया है। केरला के अंदर दोस्तों अक्टूबर महीने के अंदर जो पिछले अभी के शुरू के जो 20 दिन गए ना, वो यहाँ की नॉर्मल बारिश जो होती है उससे बहुत ज्यादा है जो कि बताया गया है, ठीक है गाइस। यहाँ पे जो नॉर्मल जो एक एवरेज लॉन्ग पीरियड होता है, एक होता है LPA यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज, पिछले कई सालों से, पिछले 20 सालों से जो एवरेज रहा है ना बारिश का, तो 14 में से 10 जिलों के अंदर बारिश जो है दोस्तों ज्यादा हुई है, ओके। रिजर्वॉयर पूरे भर गए हैं, स्टोरेज जो है वो हाई लेवल के ऊपर हो गया है, ओके। बहुत ही हैवी स्नोफॉल है जो कि देखने को मिल रही है, जो स्पिल्स होते हैं ना जहाँ पे एक्स्ट्रा पानी को छोड़ते हैं वो भी छोड़ने की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे काफी हैवी रेनफॉल है जो कि यहाँ पे डिपिक्ट करी गई है, बताया गया है। देखिए इदुक्की उदुक्की के अंदर तो बहुत ज्यादा रिजर्वॉयर है जो कि भर गए हैं, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ पे इस बार देख सकते हो आप बहुत ज्यादा बारिश हुई है, ओके। पिछले 5 सालों के अंदर हाईएस्ट रेनफॉल है जो कि अक्टूबर में बताई गई, सारे के सारे डैम है जो कि फिल हो चुके हैं। चलिए आगे बात करें पेज नंबर 11 दोस्तों, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे यूरोपियन यूनियन के प्राइस को लेकर, ह्यूमन राइट प्राइस को लेकर, जो कि किसको, रशियन अपोजिशन, जेल्ड रशियन अपोजिशन जो है दोस्तों एलेक्सी, उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए क्या है कि एक रशियन हुआ करते थे, सोवियत यूनियन के लीडर हुआ करते थे, है ना, जिसका नाम, उनका नाम था शखारो, उनका नाम था, मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेके चल रहा हूं। इन्होंने यूएसएसआर के लिए, रशिया के लिए दोस्तों काफी काम किया, है ना, वेपन्स को लेकर और भी बहुत सारे डेवलपमेंट करे। बाद में क्या हो गया, जब इन्होंने इस चीज को छोड़ा तो ये सिविल राइट एक्टिविस्ट बन गए, फ्रीडम को लेकर, सिविल राइट को लेकर, ह्यूमन राइट को लेकर इन्होंने बहुत आवाज उठाई, ओके। तो इनके नाम पे क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन ने, है ना, क्या किया, एक प्राइस की घोषणा कर दी यूरोपियन यूनियन ने, हालांकि आदमी रशियन थे, ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने प्राइस की घोषणा करी, उसका नाम रखा गया EU ह्यूमन राइट प्राइस, ये नाम है जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा रखा गया, प्राइस मनी भी डिक्लेयर करी गई, ओके। ये वाली बात है, इसको बोलते हैं शखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, ये अवार्ड है जो कि घोषणा करी गई, समझ गए मेरी बात। अब ये अवार्ड कई लोगों को मिला हुआ है, सुयू की को भी मिला था, जो अमेरिका, जो म्यांमार के लीडर है ना, उनको अभी अभी तक ख्याल ले नहीं पाई हो क्योंकि अभी वो जेल में है, काफी टाइम सालों पहले मिला था। सबसे पहली बार जो मिला था ये अवार्ड वो मिला था अपने नेल्सन मंडेला को, और एक और रशियन थे, है ना, उनको मिला था। तो अभी रिसेंटली जो मिला है वो रशियन अपोजिशन लीडर को मिला है, एलेक्सी को। ये आदमी दोस्तों वो है, इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है और काफी जबरदस्त पर्सन है, वन मैन आर्मी है। व्लादिमीर पुतिन ने इनको कई बार मारने की कोशिश करी, बंदा जो है इतना खतरनाक है, कई बार उसको मारने की कोशिश करी गई, कई बार बच गया। रिसेंटली अभी प्लेन में जो है वो जहर डाल के मारने की कोशिश कर दी गई थी, ओके, लेकिन हुआ क्या था कि वापस से बच गए, जर्मन चले गए, जर्मनी ने बोला भैया वापस मत जाओ, ये मार देगा, जेल में डाल देगा, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बोला ठीक है, जेल में जाऊंगा ना, चल जाऊंगा। वापस रशिया चले गए, जबकि मालूम था, एयरपोर्ट पे जैसे उतरे अथॉरिटीज ने पकड़ा, जेल में डाल दिया। तो पूरी दुनिया में व्लादिमीर पुतिन जो है वो एक ही आदमी से डरते हैं, वो यही आदमी है, ओके। ये आदमी बहुत ही खतरनाक आदमी है, मतलब अभी कुछ टाइम पहले पुतिन का एक बहुत ही स्पेशल एक बंगलो था, एक बहुत ही बड़ा घर था, हजारों करोड़ का, वो भी इन्होंने दिखाया था कि वहां पे कितना बड़ा घर बना रखा है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कहां से इन्होंने सामान मंगवाया, कितने का मंगवाया, पूरा यूट्यूब पे डाल दिया था, वो देखा होगा आपने, वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। मतलब वो एक जन्नत बना दी थी पुतिन ने खुद के लिए, एक अलग ही जगह के ऊपर, मतलब हजारों करोड़ का एक घर बनाया था। तो वो सब जो है इन्होंने रिलीज कर दिया, उसका पूरा वीडियो रिलीज कर दिया, ओके। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने दोस्तों, जो जिस तरीके से 45 साल के हैं और हमेशा से फ्रीडम की, डेमोक्रेसी की बात करते हुए आए हैं, और इसीलिए अभी ये जेल में भी है और इनको इस अवार्ड से सम्मानित है जो कि इनके द्वारा किया गया है, ठीक है गाइस। चलिए ओके, एक्चुअली के अंदर क्या होता है, इनकी पार्टी कल ही जीत जाए वैसे, अगर ओपनली इलेक्शन करवा दिया जाए ना, बिल्कुल डेमोक्रेसी के साथ में। लेकिन पुतिन की आदत क्या है कि वो इलेक्शन तो करवाते हैं, लेकिन सामने वाले, जब उनको लगता है ना कि सामने वाला कोई भी कंटेंडर बहुत ही मजबूत है, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन करवा देते हैं किसी ना किसी तरीके से, उसको पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते। तो इनके साथ में भी होता है, इनकी पार्टी जो है उनसे जो भी खड़ा होता है उसको खड़े नहीं होने देते हो,
और फिर पुतिन जो है वो जीत जाता है। इस तरीके से दोस्तों रशिया के अंदर चल रहा है। रशिया की अगर बात करें तो इट्स नॉट ए कोई बहुत ही अच्छा कंट्री नहीं है। रशिया की बात करें वहां पे इनइक्वालिटी जो है ना गरीब और अमीर के अंदर जो फर्क है वो हमारे से भी बहुत ज्यादा है, हमारे इंडिया से भी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है जो कि आपको रशिया में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए ऑल राइट। और ठीक है, ये तो बात हो चुकी है अपनी। इसके अलावा अगर बात करें तो देख सकते हो आप ये नावेली है ना, फ्यूचर पार्टी है इनके वहां पर। और ठीक है, रशिया में सोवियत यूनियन के अंदर इनका जन्म हुआ था, रशियन इनके नेशनलिटी है। इसके अलावा तो कुछ खास यहाँ पे और है नहीं। लॉयर, पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट और ब्लॉगर है, एंटी करप्शन एक्टिविज्म है। येल वर्ल्ड फेलोशिप से अवार्ड से इनको पहले सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इनका यूट्यूब चैनल है, 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके, 1.2 बिलियन टोटल व्यूज है जो कि उस चैनल के ऊपर अभी तक आ चुका है। ओके, और ये जो शकारा के बारे में बात कर रहा हूँ ना, जिनके नाम पे अवार्ड स्टार्ट हुआ है, वो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, डिसिडेंट थे, नोबल अवार्ड भी मिल चुका है, एक्टिविस्ट थे डिसआर्ममेंट, पीस एंड ह्यूमन राइट्स के। ओके, तो सोवियत यूनियन के दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने काफी डेवलपमेंट करवाया वेपन्स का, बाद में सिविल राइट्स के एडवोकेट बन गए और काफी इसके बारे में बात करी। तो इन्हीं के नाम के ऊपर जो है अवार्ड है जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों। यहां पे अगर मैं बात करूं क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कल हमने एक प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। ओके, और अभी 24 तारीख को पहला मैच है इंडिया का। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों पैटिसन को लेकर, एक और बहुत जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे दोस्तों पैटिसन, उन्होंने अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे रिटायरमेंट की घोषणा है जो की कर दी है। ठीक है, एशेज के अंदर अभी उनको फिटनेस इशू की वजह से वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहे, ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेले, 21 टेस्ट खेले, 15 ODI खेले और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा है जो की कर दी। नी इंजरी जो है इनकी काफी ज्यादा हो गई थी। ओके, इसके अलावा गाइज 23 तारीख को दिन में 1 बजे महाजति सदन आपने देखा होगा कोलकाता के अंदर, वहां पे दोस्तों मीटअप है, वाईफाई स्टडी के बहुत सारे एजुकेटर्स आपको सारे के सारे वहां पे मिलेंगे। स्माइल फ्रॉल का एक मीटअप है, एक एड्रेस था। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 बजे आ सकते हैं आप कोलकाता में, अगर आप रहते हैं तो जरूर आइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिस्कशन करेंगे हम, है ना, आपके करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनके बारे में भी और बहुत सब चीजें। ठीक है, पेज नंबर 14 की तरफ चलते हैं गाइस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे एशियन कप को लेकर। ठीक है, तो देखो बात ऐसी है कि अभी 2022 के अंदर हर 4 साल में एशियन वुमेन फुटबॉल कप है जो कि होता है, महिलाओं का एशिया कप है जो कि फुटबॉल का होता है। ओके, और हम लोग बहुत सालों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, है ना, और इस बार भी दोस्तों 2022 के अंदर ये होने वाला है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारी बाला देवी है जो कि जबरदस्त फुटबॉलर है जो कि मानी जाती है, तो है ना, ये कैप्टन भी है। ओके, 12 टीमें जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है, और ये जो टूर्नामेंट होने वाला है वो कहाँ पे, मुंबई और पुणे के अंदर ये टूर्नामेंट है जो कि होने वाला है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC जो है उन्होंने यहाँ पे जो ऑफिशियल टैगलाइन लिखी है वो लिखी है आर गोल फॉर ऑल, ये थीम है जो कि टैगलाइन है जो कि इनके द्वारा इस टूर्नामेंट की दी गई है। 100 दिन बचे इस टूर्नामेंट के अंदर, 12 टीमें जो कि पार्टिसिपेट करेगी। ओके, और AIFF वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों पहले अभी बाला देवी को मिला था। ओके, और इन्होंने सपोर्ट के लिए बोला है, अभी फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप भी इंडिया में होगा और ये वाला भी इंडिया में होने वाला है। ठीक है गाइस, तो दोनों के सपोर्ट को ले, फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए कुल मिलाकर इनके द्वारा बोला गया है। ठीक है, 1975 में दोस्तों पहली बार वुमेन एशियन कप स्टार्ट हुआ था और 12 टीमें फाइनल खेलती है, 35 टीमें क्वालिफायर होती है। इसी के अंदर से जो विनर्स होते हैं ना वो फीफा के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं क्वालिफायर के तौर पर। करंट चैंपियन दोस्तों जापान है, सबसे मैक्सिमम टाइम चाइना दोस्तों इसको जीत चुका है। अगर आप देखोगे तो चाइना टोटल मिला के 14 बार जीत चुका है। हमारी जो इसके अंदर रैंकिंग है, हम लोग 2 बार तो रनर अप कप और 1 बार थर्ड प्लेस पे आ चुके हैं, टोटल हम लोग 3 बार इसके अंदर परफॉर्मेंस दे चुके हैं। ये जो हम लोग रनर अप रहे थे पहली बार हमने इंडिया ने होस्ट किया था 1979 के अंदर, हमने देखिए इतने सालों पहले होस्ट किया था मतलब। ओके, अब हम लोग वापस से 2022 में होस्ट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की दोस्तों, फ्रंट पेज पे सारी सेम न्यूज है जो कि द हिंदू के अंदर थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि है दोस्तों दिल्ली को लेकर। दिल्ली के जो केजरीवाल जी है उन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर कोई भी क्रॉप डैमेज किसी भी अनसीजनल रेन की वजह से या किसी की वजह से अगर किसानों को होता है तो 50,000 रुपए पर हेक्टेयर का दोस्तों रिलीफ है, कंपनसेशन है जो कि दिल्ली के आसपास के जो किसान है उनके लिए बोला है। IMD के द्वारा बोला गया है कि भाई दिल्ली में जो है पिछले 65 ईयर से सबसे ज्यादा बारिश अक्टूबर में दिल्ली के अंदर हुई है।
ओके तो काफी सारे किसानों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो 50,000 रुपए पर हेक्टेयर के तौर पे दोस्तों उन्होंने देने के लिए बोला है। ठीक है गाइज, चलिए ओके। हेक्टेयर है, एकड़ नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 2.47 एकड़, है ना, इतने समवेयर जो कि होता है। ठीक है, आगे बात करें, इंडिया और ब्राजील सॉ बिगेस्ट जंप इन द हीट रिलेटेड डेथ इन 2018-19। ओके, तो अगर आप 2000 से 2005 की और अगर 2018-19 की बात करेंगे तो 80% ज्यादा 80% की बढ़ोतरी है जो कि देखने को मिली है हीट रिलेटेड डेथ को लेकर। हीट रिलेटेड डेथ का मतलब होता है जब गर्मी के वजह से दोस्तों कई लोगों को सहारा नहीं मिलता और उनकी डेथ हो जाती है। ऑलमोस्ट 4.25 लाख लोग जिनकी 65 ईयर से ऊपर की डेथ है एंड जिनकी 65 ईयर से ऊपर की एज है उनकी डेथ हुई है दोस्तों हीट रिलेटेड कॉज की वजह से 2019 के अंदर, जो कि 80% ज्यादा है 2005 के एवरेज से। ओके, तो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है जो कि बुजुर्गों के ऊपर बताया गया। इंडिया और ब्राजील हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज है जो कि हीट रिलेटेड मोर्टेलिटी के अंदर देखने को मिली है। लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, ये रिपोर्ट है जो कि 2021 की पब्लिश करी गई है। ओके गाइस, जिससे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है ना, जो ऐसे पेशेंट होते हैं ना उनके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम है जो कि होती है। ओके, 2019 के अंदर 31 इंडेक्स के अंदर जो है काफी इंक्रीमेंट है जो कि देखने को मिला है। इसके अलावा बात करें और ठीक है, 2018 से WHO ने वैसे क्या यूरोपियन रीजन के अंदर तो 18 से 19 के अंदर कम डेथ देखने को मिली है। ओके, लेकिन फिर भी दोस्तों वो लाखों के अंदर है। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इससे प्रोडक्टिविटी हो गया वो भी कम हो रहा है ना। नियर बाय 30 करोड़ जो घंटे है ना वो पूरी दुनिया के अंदर जो लोग काम कर सकते थे बेहतर वो नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट वेव, यानी कि गर्मी की वजह से। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी की वजह से दोस्तों घंटे जो काम कर सकते थे जिससे देश में कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता था वो सबसे ज्यादा लॉस है जो कि बताया गया है। चलिए ठीक है गाइस, ये सारी बातें हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, कोलंबस को गुड बाय कर दिया। विकिंग्स जो है अटलांटिक के अंदर पहुंचने पार करने वाला पहला दोस्तों शिप है जो कि बताया गया है। देखिए बात ऐसी, आपको सभी ने सुना होगा कि इंडिया की तलाश में कोलंबस जो है वो यूरोप से चले और ईस्ट में जाने के बजाय वेस्ट में चले गए और चले गए अमेरिका। अमेरिका में दोस्तों घूम फिर के वापस आए, यूरोप में बोला मैंने इंडिया को ढूंढ लिया, चारों तरफ पानी है। जनता ने बोला यूरोप में, अरे भाई कहाँ घूम के आया यार, पैसा खराब कर दिया, पेट्रोल लगा दिया ना, इतना महंगा हो रखा है पहले, है ना। जब इंडिया के तीन तरफ पानी है, चार तरफ नहीं है, आप तो किसी आइलैंड पे जाके आ गए, तो कोलंबस का दिमाग खराब हुआ। लेकिन कोलंबस अटलांटिक ओशन को पार करके अमेरिका तक पहुंचने वाला पहला पर्सन बना। कोलंबस के बाद एक और आदमी चला अमेरिको नाम का, वो अमेरिका पहुंचा, उसी के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ गया और वो वहां पे एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन दोस्तों यूरोपियन जो सबसे पहले अटलांटिक ओशन पार करके गए वो कोलंबस नहीं थे। ये दोस्तों अभी रिसेंटली इनके द्वारा बताया गया है कि कोलंबस से भी 500-600 साल पहले ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो बोट नजर आ रही है, शिप नजर आ रही है, इसका नाम है वाइकिंग्स। तो ये सबसे पहले दोस्तों क्रॉस करके गया था अटलांटिक को 1000 साल पहले। इसको माना जाता है कि इसका फॉर्मेशन 793 से लेकर 1000 एडी, जो स्कैंडिनेवियन लोग थे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के लोग थे, वो सबसे पहले कनाडा के जो टॉप कोस्ट है ना उसके ऊपर वो लोग ट्रैवल करके गए थे। तो ये एविडेंस है जो कि रिसेंटली न्यू वर्ल्ड फर्स्ट के अंदर दोस्तों बताया गया है। ये न्यू वर्ल्ड फर्स्ट के अंदर सबसे पहले पहुंचे थे मतलब। ठीक है गाइज, चलिए, तो इसको लेकर काफी अनसर्टेनिटी थी और ठीक है चलिए। और इसके ज्यादा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने दोस्तों फाइन लगाया पेटीएम पेमेंट बैंक और वेस्टर्न यूनियन के ऊपर। क्यों लगाया भाई, कितने का? 27 लाख रुपए का तो वेस्टर्न यूनियन के ऊपर और 1 करोड़ का पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्होंने नॉन कंप्लायंसेस को लेकर, ठीक है, कई सारे डायरेक्शंस थे उनको फॉलो नहीं करे, उसकी वजह से फाइन है जो कि लगाया गया। वेस्टर्न यूनियन दोस्तों 1851 में इसकी शुरुआत हुई न्यूयॉर्क के अंदर, है ना, कोलोराडो के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जैक करके इसके चेयरपर्सन है और ये क्या करती है, मनी ऑर्डर, पैसा भेजती है विदेश से किसी भी जगह पे, है ना। वेस्टर्न यूनियन का नाम आपने सुना होगा और नेट इनकम जो है काफी जबरदस्त है, $1 बिलियन के आसपास की नेट इनकम देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि बीएसएनएल दोस्तों अब आपको क्या करेगा, फ्लाइट के अंदर भी इंटरनेट यूज करने की फैसिलिटी है जो कि अवेलेबल करवाएगा। किसके साथ में? इमरसेट के साथ में उन्होंने दोस्तों ये ऑफरिंग है जो कि करी है, पार्टनरशिप करी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बीएसएनएल ने दोस्तों करी है। ओके, ग्लोबल एक्सप्रेस मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस अवेलेबल करवाने के लिए इंडिया के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइन के अंदर। ठीक है, अगर आप कंट्री के ऊपर अगर फ्लाई कर रहे हो ना तो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी मिलेगी किसके अंदर, फ्लाइट के अंदर। वैसे देखो बीएसएनएल की हालत इतनी खराब हो गई है आज के टाइम पे, मतलब
कि लैंड पे भी जो है वो जगह नहीं बची है, तो अब बेसल सोच रहा है कि भाई जमीन पे तो कनेक्टिविटी नहीं हो रही, एयर में रख ले। तो एयर के अंदर दोस्तों इन्होंने इनफ्लाइट कनेक्टिविटी का प्रपोजल है जो कि यहाँ पे रखा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि करी है इन्होंने, बीएसएनएल इनफ्लाइट एंड मैरिटाइम कनेक्टिविटी लाइसेंस है जो कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट से लिया है, ठीक है गाइस। और इमरसेट के साथ में ये लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बीएसएनएल की बात करें 2000 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अश्वनी जी मिनिस्टर है, प्रवीण कुमार जो है अभी यहाँ पे चेयरमैन और एमडी है। ओके, हर जगह पे आपको लॉसेस ही नजर आ रहे होंगे, रेड का मतलब होता है डाउनफॉल। ओके, बीएसएनएल का भंटाधार करने में सरकार का ही सबसे बड़ा हाथ है। ओके, 4G के अंदर बेचारे को पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया, दुनिया 5G पे पहुंच गई, ये बेचारा अभी भी 4G के ऊपर ही गुत्थम गुत्था हो रहा है। 70,000 एम्प्लॉई है, 50,000 तो पहले ही छोड़ के चले गए बिकॉज इन्होंने सैलरी देना बंद कर दिया एक दो महीने के लिए, उसके बाद में सबने जो है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। ओके चलिए ठीक है, ये बात हो चुकी है। इसके अलावा इमरसेट की बात करें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है, 79 में फॉर्मेशन हुआ, लंदन में हेडक्वार्टर है, राजीव सूरी है इसके सीईओ, ध्यान रखिएगा पेपर में पूछेंगे, ठीक है। 1,500 लोग इसके अंदर काम करते हैं। बीएसएनएल की बात करें तो इंडिया की ओल्डेस्ट एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। ओके, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे दोस्तों उन लोगों ने फाउंडेशन है जो कि टेलीकॉम नेटवर्क की इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी में रखी थी, पहली बार जो टेलीग्राफ लाइन एस्टेब्लिश करी गई थी कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में 1850 के अंदर, टेलीग्राफ पहले टेलीग्राफ जाया करते थे याद है ना, तो पहली बार ब्रिटिशर्स ने ये लाइन है जो कि डाली थी दोस्तों कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में 1850 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में 51 से लेकर 54 तक इन्होंने टेलीग्राफ की लाइन और डाली, काम किया उसके ऊपर। 1854 में ये लाइन जो है वो पब्लिक कर दी गई और आम जनता भी इसको काम में लेने लग गई, मुंबई से पुणे के बीच में फर्स्ट टेलीग्राफ है जो कि सेंड किया गया। 1885 के अंदर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट आ गया, ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया। ओके, बाइफर्केशन किया गया पोस्ट का और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का 1980 के अंदर, और एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो कि बाद में जाके क्या बना, बीएसएनएल बना, ठीक है गाइस। इस तरीके से इसकी शुरुआत है जो कि हुई थी। ओके, 180 साल तक टेलीग्राफ की सुविधा चलाने के बाद बीएसएनएल ने फाइनली 2013 में इसको शटडाउन कर दिया। ओके गाइस, चलिए, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है 2010 में इन्होंने स्टार्ट करी और उसके द्वारा ही अभी सारी सेवा देने चालू करी टेलीग्राफ के बजाय। बीएसएनएल के 4G की बात करें दोस्तों तो 2019 के अंदर ही बेचारा जो है ये लॉन्च हुआ, जहां पे दुनिया 16, 17, 18 में देने लग गई थी, ये बहुत ही लेट है क्योंकि स्पेक्ट्रम के अंदर इनको बिटी नहीं मारनी थी बेचारों को। बिहार, यूपी, झारखंड कुछ जगह पे तो काम कर रहा था, कई जगह पे नहीं कर रहा था। अभी साउथ इंडिया के अंदर ही पूरे देश में अभी भी 4G आपको बीएसएनएल का देखने को नहीं मिलेगा। जनसत्ता की बात करें तो फ्रंट पेज ये आपके सामने है। ओके, कुछ नया इसके अंदर न्यूज़ नहीं है, और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों कल ये वाली नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे को लेकर। ओके, तो देखिए स्टैट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर कोई भी काम अगर आप कर रहे हो दुनिया में, अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो सबसे पहले आपको स्टैट्स चाहिए होते हैं। जब आपको डाटा ही नहीं पता उसके आगे आप इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे, समझ गए। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे दोस्तों इसी चीज़ को मनाया जाता है पूरी दुनिया में 20 अक्टूबर को, 5 साल से इसको एवरी 5 ईयर में इसको मनाया जाता है। हाईलाइट करते हैं अचीवमेंट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑफिशियल स्टैट्स के उसको लेकर, ठीक है गाइस। यूएन के द्वारा 2010 में इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी, ठीक है। यूएन का स्टैटिस्टिकल कमीशन का 41st सेशन जो था ना 2010 में, उसके अंदर इसको प्रपोज है वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे 20 अक्टूबर को मनाने के लिए बोला गया, ठीक है, कि क्या करेंगे, टाइमली रिलायबल जो कंट्री के प्रोग्रेस है ना उसके ऊपर बात करेंगे, काम करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि जिसको आज का हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं उनको अचीव करने के अंदर हेल्प करेंगे। ओके, और बोला गया कि भैया लोगों के लाइफ के अंदर स्ट्रेसफुल इवेंट जो होते हैं ना, 100 का मतलब है मोस्ट स्ट्रेसफुल, तो स्टैट्स बताए गए कि लोगों की लाइफ में पता करेंगे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस वजह से आता है, उसको रिजॉल्व करने के ऊपर काम करेंगे। तो आपके जान के हैरानी होगी दोस्तों कि दुनिया के जो टॉप 15 सबसे स्ट्रेस वाली जो चीज़ है ना उसके अंदर दोस्तों आप देखोगे कि आपकी नौकरी है ना वो कहीं पर भी नहीं है, मतलब आप देख रहे हो नौकरी कहीं पर भी नहीं है। तो मतलब स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैं मानता हूँ आपके अभी 1-2 साल, 2-3 साल, 4 साल का ये सबसे स्ट्रेसफुल टाइम होगा, लेकिन यकीन मानिए आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो करियर बन जाएगा 101%। ओके, इसका इतना लोड लेने की जरूरत है, लोड लेने की जरूरत यह है कि आप क्या दिन को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है जब डेथ होती है किसी दोस्तों स्पाउस की, उसके बाद में डाइवोर्स, ओके, मैरिटल सेपरेशन, जेल टर्म, क्लोज मेंबर की डेथ, पर्सनल इंजरी, मैरिज, मतलब पर्सनल इंजरी ज्यादा स्ट्रेसफुल है आपकी मैरिज से, शादी हो जाती है तब भी लोगों को स्ट्रेस हो जाता है मालूम है ना या नहीं हो रही होती तब भी उनको स्ट्रेस होता है। चलिए,
फायर डेट वक्त अगर किसी को नौकरी से निकाल दिया हो आठवें नंबर के ऊपर, रिटायरमेंट दोस्तों रिटायरमेंट में भी टेंशन है दसवें नंबर के ऊपर, ओके एंड सो ऑन। चलिए आगे बात करते हैं, सिग्निफिकेंस मैं आपको बता चुका। हमारे देश में भी दोस्तों जो मेल नोबिस है ना उनका बर्थडे आता है 29 जून को, तो हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिकल डे जो है वो 29 जून को मनाते हैं। मेल नोबिस जो थे हमारे फादर ऑफ स्टैटिस्टिशियन माने जाते हैं, तो उनके बर्थडे पे हमारे नेशनल इवेंट भी है। ठीक है गाइस, ये सब बात हम लोग कर चुके हैं, आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट है जो कि है एमपी के मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। तो जैसे कि दिल्ली के अंदर सारी सरकारी योजनाएं आपके द्वार पे मिल रही है, वैसे एमपी ने भी दोस्तों आपके जो राशन है ना वो घर पे पहुंचाने का काम है जो कि किया है, मतलब करने को लेकर स्टार्ट किया है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार स्कीम है जो कि लॉन्च करी है पुअर ट्राइबल फैमिली को बेनिफिट पहुंचाने को लेकर। ठीक है गाइस, आपके ब्लॉक जो होंगे वहां पर सेफली जो है पहुंचाया जाएगा। ओके 7000 विलेज जो 74 डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर है ना 16 डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे आपको ये चीजें पहुंचाई जाएगी। राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हेडक्वार्टर विलेज से, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा व्हीकल के माध्यम से। ओके चलिए, तो ये सारे के सारे बातें हैं जो कि करी गई, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। 24000 रुपये का मंथली एक्सपेंडिचर है जो कि एक मैट्रिक टन व्हीकल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा है जो कि यहाँ पे आएगा। ओके गाइस चलिए ठीक है, इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है। आगे बात करते हैं अफ्रीका के ग्लेशियर्स को लेकर, जो कि दोस्तों आने वाले 80 सालों के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अफ्रीका के ग्लेशियर। देखो अफ्रीका के प्रॉब्लम देखो, मतलब अफ्रीका का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वैसे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनके ग्लेशियर दोस्तों जा रहे हैं तो ये बहुत चिंता की बात है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों उन्होंने ये बोला है कि अफ्रीका का जो रेयर ग्लेशियर्स हैं वो आने वाले 20 सालों के अंदर खत्म होना चालू हो जाएंगे और 2100 तक मतलब टोटली जो है वो डिसअपीयर है, जो कि उनके द्वारा बोला गया है। यूपीएससी के पढ़ा रहे हैं, इस बार बहुत ही जबरदस्त रैंक है जो कि लंडन की देखने को मिली है। आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, या आपको 40+ एग्जाम में मिलता है ये सब चीजें आपको। ठीक है, टेस्ट एनालिसिस हो गया, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हो गया, लाइव क्लासेस हो गया, डाउट क्लियरिंग सेशन हो गए। आपको 24, 36 या 12 महीने सेलेक्ट करके नीचे की तरफ रेफरल कोड है जो कि BHU10 आप लगा सकते हैं। ऑप्शनल एग्जाम की भी, ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना उसकी भी अलग से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शनल अच्छा नहीं है तो आपको ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है, SSC UPSC IIT जो भी आपका गोल है, प्लस में जाइए गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने, और यहाँ पे BHU10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है गाइस, और smileforallsociety.org ओके ये वेबसाइट पे जाइए, गेट हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन लेकर आप यहाँ पे एक बच्चे के एजुकेशन को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका सेशन गाइस, मिलेंगे वापस से स्पेशल क्लास के अंदर जो कि होगी दिन में 3 बजे। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।